दोस्तों मेरे पास वीवो का दो फ़ोन आया है, वीवो Y12। एक को मैंने बिल्कुल फ्री में अनलॉक किया है और एक को मैं आपको अनलॉक करके दिखाऊंगा। इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी का पैच है। अगर आपके पास वीवो Y12 है, वीवो Y15 है, वीवो Y17 है, तो आप वन क्लिक में आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो। आपने EMT टूल को ट्राई किया होगा, अनलॉक टूल को ट्राई किया होगा, मिरेकल बॉक्स को ट्राई किया होगा, किसी से भी आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी का पैच है और ये कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए जो कि आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। और ये वीडियो खास करके जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मोबाइल को खोलना पड़ेगा। इस मोबाइल को मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, तो किस तरह से खोला था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इस तरह से, इसको भी मैं खोल कर दिखाऊंगा किस तरह से खोलना है और मैंने कैसे जम्फर मारा है, कहाँ पे सेल के पॉइंट पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ये सब हटाता हूँ। और ये देखो, ये जम्फर मैंने मारा था, ये है जम्फर। तो मैंने इसको टेप से लगा कर रखा था कि ये टूट ना जाए। तो कहाँ पे जम्फर मारा है ये देखो, ये जो IC है, ये IC के पास एक सेल के टेस्ट पॉइंट होता है, उसमें जम्फर मारना है। तो इसको मैंने मार दिया, ऑलरेडी हो चुका है। और इसको सबसे पहले खोलते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो खोलने के लिए सबसे पहले हमें एक सिम एडेप्टर टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये निकल गया और उसके बाद क्या करना है, हमें इसे खोलना है। और कैसे कट लगाना है IC का, वो सील को कैसे खोलना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो अभी तक मोबाइल खुला नहीं है, सील लगा हुआ है, ये देखो। तो इसको हम फटाफट खोलते हैं। ये बैटरी कनेक्टर, एंटीना, केबल, और यहाँ पे दो स्क्रू है। ये देखो ये जो सील है, इस सील को निकालना है। और यहाँ पे आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो गोल्डन कलर का सील है, इसको आपको केयरफुली धीरे धीरे कट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से ये जो स्टील है इसको कट कर लेना है। तो इसके लिए आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कटर को एकदम केयरफुली आपको कट करना है। ये जो कट का निशान है, यहाँ से आपको धीरे धीरे कट करना है, कुछ इस तरह से आराम से, जो कि आपके IC में जो भी कंपोनेंट है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, इस तरह से आपको कट कर लेना है। कुछ इस तरह से आराम आराम से आपको कट कर लेना है, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी के काम नहीं है, आराम से कट करना है।
ये देखो कट हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है सेल के पॉइंट, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये बीच में एक ब्लैक पेस्ट से एक सेल के पॉइंट है, उसमें हमको जम्फर मारना है। ये देखो वो ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है उसमें, ये देखो वो ये जो कैपेसिटर है, उसके बाद और एक ब्लैक कैपेसिटर है उसमें हमें जम्फर मारना है। और ये जो कैपेसिटर है ये इसमें ब्लैक पेस्ट होता है, इसको आपको ब्लेड से साफ कर देना है कुछ इस तरह से, और केयरफुली साफ करना है। और ये जो बाहर वाला पॉइंट है यहाँ पे हमको जम्फर मारना है। तो मेरा ये साफ़ हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लगाना है इसमें, हल्का सा मैं पेस्ट लगा देता हूँ। और उसके बाद इसको जम्फर मार देना है। तो हमारा जम्फर लग चुका है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको टेप लगा लेना है, नहीं तो ये जम्फर हिल जाएगा। ये लग चुका जम्फर। उसके बाद क्या करना है, इसको वायर थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है, इस वायर को रख लेना है। तो देखो मैंने जम्फर मार दिया है, ये जो कैपेसिटर है इसके बाहर वाले पॉइंट पे आपको जम्फर मारना है, इसे ही सेल के पॉइंट बोलते हैं। और इससे आप जो कि ग्राउंड से जब टच करेंगे उसके बाद आपके कंप्यूटर में पोर्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। यह है वीवो वाई 15-1901, यह है वीवो वाई 17-1902। 1901 में वीवो वाई 15 में यहाँ पे देखो यहाँ पे आईसी नहीं लगा होता है, तो इससे आप समझ जाना कि यह वीवो वाई 15 है या फिर 12 है। और यह है वीवो वाई 17-1902, इसमें एक एक्स्ट्रा आईसी होता है ये देखो। और इन दोनों को मैं अभी आपको अनलॉक करके दिखाऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इन तीनों फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अगर आपके पास वीवो वाई 12 है, वीवो वाई 15 है, तो आपको ये वाला फाइल को ओपन करना है। अगर आपके पास वीवो वाई 17 है, तो आपको ये वाला फाइल को ओपन करना है। तो मेरे पास वीवो वाई 12 भी है, वीवो वाई 17 है। तो सबसे पहले मैं वीवो वाई 12 और 15 वाला फाइल को ओपन करता हूँ। इससे आप वाई 15 और वीवो वाई 12 दोनों को अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे एसपी टूल को ओपन करना है, फिर ओपन करना है, और एसपी टूल को यहाँ से आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। डाउनलोड एजेंट फाइल ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको स्कैटर फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और आपने फाइल को जहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट किया है उस लोकेशन में चले जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे किया है, तो डेस्कटॉप पर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं ये वाला फाइल को यहाँ से स्कैटर फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फाइल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है। फिर मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, और उसके बाद ये देखो यहाँ से ऑथेंटिकेशन फाइल यहाँ से ले लेगा ऑथ फाइल। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जाना है, इसके ऊपर जाके ये मैनुअल पे जाना है। मैनुअल पे जाके उसके बाद क्या करना है, हमारा जो फाइल जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया फाइल को उस लोकेशन में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे आपको ये वीवो वाई 12 वाई 15 लिखा होगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके खोलना है, और यहाँ पे आपको दो की पैटर्न एड्रेस मिलेगा, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो देखो यहाँ पे FRP है और यूज़र डाटा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना यूज़र डाटा को ख़त्म करना है। तो इसके लिए ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को यहाँ से हटाना है, और ये पहला वाला जो एड्रेस है यूज़र डाटा वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसको भी हटा देना है, इसको हटा दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है दिखाता हूँ आपको, मीडियाटेक बाईपास FRP टूल है, इसके ऊपर आपको जाना है। ये जो मीडियाटेक जो कि ये बाईपास कर देता है सिग्नेचर को, ड्राइवर सिग्नेचर को, तो यहाँ से इसको ओपन करके आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, यस कर देना है, और इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपके मोबाइल को आपको जो कि मदरबोर्ड को, आपका जो मोबाइल का मदरबोर्ड को उसको सेट कर लेना है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो इसमें क्या करना है, सिंपली जो कि इसमें बैटरी वाला जो कनेक्टर है उसे नहीं लगाना है, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ।
और इसे भी कर देता हूँ। और ये जो वायर है, इन दोनों वायर को ध्यान रखना, इनको बाहर बाहर ही निकाल के रखना और ये कहीं पे टच ना हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये बैटरी वाला कनेक्टर इसे नहीं लगाना है और सबको लगा देना है, ठीक है। इन मैंने सब दोनों को लगा दिया है। ये है वीवो वाई 17 और यह है वीवो वाई 15। अब क्या करना है, अब हमें जो कि ये जो ऑथेंट ये जो बाईपास है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है और फिर क्या करना है, पहले मैं वीवो वाई 15 को अनलॉक करूँगा। ये जो वायर है इसको मैं ग्राउंड के साथ जो कि टच करूँगा, इस तरह से ये टच करके मैं क्या करूँगा, इसमें डाटा केबल को लगा दूँगा। देखो ये बाईपास हो चुका है, प्रोटेक्शन डिसेबल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसे मिनिमाइज़ कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। देखो फॉर्मेट ओके हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको एफआरपी को बाईपास करना है तो आप यहां से एफआरपी भी कर सकते हो। तो चलो मैं एफआरपी भी कर देता हूं। तो इसके लिए एफआरपी को सबसे पहले ऊपर वाला कॉपी करना है, इस तरह से यहां से, और उसके बाद यहां पे पेस्ट कर देना है। इससे पहले हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और दूसरा वाला इसको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, हमें एमसीडी टूल को ओपन करना है और यहाँ से डाटा केबल को खोल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बाईपास के ऊपर फिर से क्लिक करना है और ये जो वायर है इस वायर को फिर से कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ, और उसके बाद डाटा केबल को लगा देना है। डाटा केबल को जब लगा दोगे तो ये प्रोटेक्शन डिसेबल हो चुका है, ये देखो। उसके बाद क्या करना है, इसे मिनिमाइज़ कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। और हमारा जो एफआरपी था वो अभी हट जाएगा, देखो हमारा एफआरपी भी हट चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। हमारा वीवो वाई 12 का, वीवो वाई 12 वाई 15 दोनों एक ही है, इसका काम हो चुका है। अब हमें वीवो वाई 17 को अनलॉक करना है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन सबको कट करना है, इसको कट करना है और ये जो एसपी टूल है इसको ओपन करना है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, फिर इसको ओपन करना है, फिर यहाँ पे एसपी टूल को ओपन कर लेना है। और अभी जो आपने वीवो वाई 17 का जो फाइल रार फाइल को जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डाउनलोड एजेंट वाला फाइल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जाना है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है। तो मैंने वीवो वाई 17 को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है डेस्कटॉप के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया हूँ। और उसके बाद ये जो वीवो वाई 17 जो दा बिन फाइल है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको जाना है ये स्कैटर फाइल के ऊपर, और उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है और ये वीवो वाई 17 वाला स्कैटर फाइल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें मेरे ख्याल से ऑथ फाइल नहीं होगा, हाँ नहीं है ऑथ फाइल। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मेट के ऊपर जाना है और उसके बाद मैनुअल फॉर्मेट के ऊपर जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, अभी जो जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना फाइल को वीवो वाई 17 को, वहाँ पे आपको चले जाना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे ऊपर किया है, इसके ऊपर जाना है और डबल क्लिक करके, ये देखो फॉर्मेट कोड है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैनुअल पे आ जाना है और ये जो एड्रेस है यहाँ से इसको हटा देना है, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो हमारा ये यूज़र डाटा है इसको ऊपर वाला को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये नीचे वाले को कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेशन जो बाईपास वाला है एमसीडी टूल, इसको फिर से जो कि हमें बाईपास के ऊपर क्लिक करना है। अब हम वीवो वाई 17 को करेंगे, तो वीवो वाई 17 का जो ये वायर है इसको ग्राउंड के साथ हम टच करेंगे। टच करके हम जो कि इसमें डाटा केबल को लगा देंगे, देखो ये प्रोटेक्शन डिसेबल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसे मिनिमाइज़ कर देना है और अब इसको हमें स्टार्ट कर देना है। तो देखो वीवो वाई 17 भी यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है। और अगर आपको एफआरपी करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों एड्रेस को यहाँ से हटा देना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद ये ऊपर वाला जो एफआरपी है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये वाला एड्रेस को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये एफआरपी के लिए इसे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको डाटा केबल को फिर से एक बार खोल लेना है और एमसीटी बाईपास टूल को यहाँ से आपको
ओपन करना है, फिर आपको वाइफ का पास के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है, ये जो वायर है इसको ग्राउंड के साथ टच करना है, टच करके आपको डाटा केबल को लगा देना है। तो देखो ये फिर से प्रोटेक्शन डिसेबल हो चुका है, और उसके बाद क्या करना है, इसे मिनिमाइज कर देना है और स्टार्ट के ऊपर दबाना है। तो स्टार्ट के ऊपर मैंने दबा दिया, और अभी हमारा FRP जो कि देखो FRP भी ये अनलॉक हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, दोनों को हटाते हैं और यहाँ पे जो कि इनका बैटरी को लगा देते हैं और उनको ऑन करके देखते हैं। तो ये वाला ऑन हो चुका है, और उसके बाद वीवो वॉइस 17 को ऑन करते हैं। ये भी ऑन हो चुका है, तो वीवो वाई 17 पहले ऑन हो चुका था, उसके बाद वीवो वाई 15 हुआ। तो दोनों को सेटअप करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एग्री एग्री, स्किप स्किप स्किप, मोर मोर मोर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप स्किप, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप स्किप, स्किप, यूज नाउ यूज नाउ। तो देखो वीवो वाई 17 और वीवो वाई 15 दोनों अनलॉक हो चुका है। तो वीवो वाई 17 थोड़ा फास्ट है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसका मॉडल आपको। ये देखो 1902, और इसको भी दिखा देता हूँ आपको, 1901, और इनमें लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट था। और इसमें देखो सिक्योरिटी अपडेट, ये वीवो वाई 15 इसमें 1 मई 2022 का सिक्योरिटी अपडेट पैच था, और इसमें देखो इसमें 1 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच था।